हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट मैदे से खाजा की रेसिपी। तो ये खाजा मैंने डिजाइन वाली बनाई है, इस तरह से आप बनाएंगे तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसे खाजा बोल सकते हैं, खास्ता गोजा बोल सकते हैं या फिर बालूशाही, सभी इसका जो टेस्ट है एक जैसा ही होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें हम डाल देंगे मोइन के लिए रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच के जितना रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें हम चुटकी भर नमक डाल देंगे, जिससे कि ये हम मीठा बना रहे हैं तो इससे इसका स्वाद बैलेंस होगा। अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मोइन को। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मिक्स मैंने कर लिया है। अब इस तरह से आप देखिएगा मुट्ठी में बांध कर, तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है, बंध जा रहा है। तो ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हमें और मोइन की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। तो आप इसका डो जो है गीला मत सानिएगा, इसका डो हमें पूड़ी के आटे की तरह सख्त लगाना है। तो इसे हम अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। हम इसे जितना गूँथेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा और फुला फुला से बन के तैयार होगा। तो ये हमने अच्छी तरह से इसे गूँथ के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसकी चाशनी बनाने की तरफ चलते हैं और इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना चीनी लिया है और इसी कप से नाप कर हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी लिया था तो 1 कप पानी डाला है और थोड़ा पानी और हम डालेंगे इसमें, 1/2 कप जितना, और चीनी को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। चीनी जब तक हमारी घुल रही है तब तक हम मैदे की आटे को जो हम एक बार चेक कर लेते हैं और इसे बना लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे, मसल के इसे चिकना कर लेंगे। तो इसे मैंने मसल को चिकना कर लिया है। अब इस तरह से हम हाथों में थोड़ी थोड़ी लोई लेकर इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सभी को हम इसी तरह से पहले बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे फेस्टिवल में या कोई ओकेशन में बना के आराम से खा सकते हैं। जब भी आपको मीठा खाने का मन हो तो आप बना सकते हैं। तो अब हम एक लोई लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से बेल लेंगे। तो इस पर हम थोड़ा सूखा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे इतना बेल के तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक नाइफ की सहायता से चौकर शेप में कट कर लेंगे और इसके जो बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसे हम फिर से यूज कर लेंगे। तो मैंने इसे चौकर शेप में कट कर लिया है। अब इसे हम बीच में इस तरह से पतला पतला सा कट लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम एक बराबर इसे कट लगा लेंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब इसके सारे साइड्स में हम पानी लगा लेंगे हाथों से, ताकि जब इसे हम फोल्ड करें तो ये आपस में अच्छी तरह से चिपक जाए। तो मैंने चारों तरफ पानी लगा दिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे बराबर करके हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेंगे, ताकि एक दूसरे में ये अच्छी तरह से चिपक जाए और जब इसे हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इसके ऊपरी साइड से फिर से पानी लगा लेंगे और इसे फिर से एक बार और फोल्ड कर लेंगे और हाथों से अच्छी तरह से दबा देंगे। अब इसके एक साइड को हम इस तरह से लेंगे और दोनों को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे इसे, और बीच में इस तरह से हम हाथों से इसे फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए अब इसे हम पत्ते के शेप में बना के तैयार कर लेंगे और इसके ऊपरी भाग को भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये देखने में बिल्कुल पत्ते के शेप की लगे। तो मैंने इसके दोनों साइड्स को इस तरह से बंद कर दिया है। अब देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग जो है काफ़ी अच्छी लग रही है और इसे हम हाथों से इस तरह से थोड़ा सा
झाड़ लेंगे ताकि इसके जो परतें हैं अच्छी तरह से खुल जाए। तो यहाँ मैंने एक बना के तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से एक इस तरह से बेल लिया इसे, और चौकोर शेप में इसे हम कट कर लेंगे और बीच में इसे हम पतला पतला से कट लगा लेंगे। और फिर से इसके साइड्स में हम अच्छी तरह से पानी अप्लाई कर लेंगे। अब इसे एक साइड से उठा के हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हाथों से दबा के इसे प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। और फिर इसके ऊपरी भाग को फिर से हम पानी लगा लेंगे इसमें, और फिर से इसे पलट लेंगे। अब इसके एक साइड को हम उठाएंगे और दोनों इसे दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, और फिर से अंदर के साइड से इसे फोल्ड करते हुए हम ऊपर ले आएंगे और इसके ऊपरी सतह को भी हम बंद कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि ये देखने में बिल्कुल आपको पत्ते की शेप की लगे। और फिर इसे हम थोड़ा सा ऊपर से झाड़ लेंगे इस तरह से, ताकि इसके परते जो है खुल जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इतने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम एक बार अपनी चाशनी को जो है चेक कर लेते हैं। तो चाशनी को मैंने बीच बीच पे चला दिया था। चाशनी हमारी अच्छी तरह से चीनी जो है मेल्ट हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, ताकि हमारा जो चाशनी है वो इसमें क्रिस्टल ना पड़े चीनी की। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं चलाकर। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस ये हल्का चिपचिपा हो जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। तो ये हमारा चाशनी जो है तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमारा तेल भी जो है गर्म हो गया है। मैंने दूसरी साइड तेल भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो हम इस तरह से इसमें ये करके डाल देंगे। एक बार में आपका जितना आ जाए उतना डाल दें। तो अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इसे हम पलटेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल में जाने के बाद इसके जो परतें हैं काफ़ी अच्छी तरह से खुल गई हैं। एक एक लेयर इसकी दिखाई दे रही है और इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब इसे हम पलट लेंगे एक बार, और अच्छी तरह से इसे पलट कर हम इसे गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो बस इतना में इसे दोनों तरफ से इस तरह से सेक लिया है, ये देखिए, और अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए, उसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये फ्राई होने के बाद इसकी सारी परतें जो है काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई देती है और एक एक लेयर जो है खुल जाती है इसकी। तो बाकी के भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे बचे हुए। तो बाकी के बचे हुए को भी हम इसी तरह से डाल देंगे ऑयल में फ्राई करने के लिए। और अभी हमने जो फ्राई करके रखा था उसे हम चाशनी में डाल देंगे। तो चाशनी में इसे हम डाल देंगे अच्छी तरह से। तो चाशनी में डालने के बाद इसे हम एक साइड से दूसरे साइड से पलट देंगे फिर से, और इसे 5 मिनट के लिए हम चाशनी में ही छोड़ देंगे, ताकि चाशनी जो है अच्छी तरह से इसके अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए और इसमें बहुत अच्छी तरह से रस जो है वो भर जाए और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और रसीली लगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को पलट दिया है। अब इसे हम छोड़ देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये चाशनी जो है इसके अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से ये इसमें चाशनी जो है भर गई है। तो इन सभी को हम निकाल लेते हैं। तो यह मैंने सभी को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी स्वादिष्ट, और देखने में ये कितनी अच्छी लग रही है। इसकी जो डिजाइन है बहुत ही स्वादिष्ट बनती भी है ये, और इसके अंदर तक पूरी रस जो हमारी भर गई है। तो हमने जो बाकी के बाद में फ्राई किए थे उसे भी हम इसी तरह से डालकर इसके चाशनी को ऑब्जर्व होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया है।
ये देखिए इसे प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी ये हमारी जो खास्ता खाजा है बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।